ये जो पर्चकुला का प्लांट लगाई हुई है, ये और ये तो पॉट है, पर इसमें जिस चीज़ में मैं रखी हूँ वो आपको दिखाती हूँ। वो मेरा टूट गया था और कबाड़ में जाने वाला था, तो मैंने उसको इस तरह से अपना पॉट स्टैंड बनाया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अमेजिंग सी DIY वीडियो शेयर करूँगी जिसको आप इजीली कर सकते हो। और ये सब कबाड़ में जाने वाला था तो इनको मैं संभाल कर रखी। इनमें से कुछ को मैं प्लांटर बनाई और ऐसा जुगाड़ बनाई जिससे मैं छोटे छोटे प्लांटर के लिए प्लांट स्टैंड भी बन जाए। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत से बॉटल को लूँगी। इसको मैंने यूज़ किया एज ए प्लांटर, ये खाली हो चुका था, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फ्रेंड्स ये रूम फ्रेशनर का बॉटल है जो कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप पेंट ना भी करो तो भी चलेगा, पेंट कर दो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन पेंट की ज़रूरत नहीं, इतने खूबसूरत बॉटल को पेंट क्या करना। मैं इसी तरह से इसको एज ए प्लांटर बनाऊंगी और इसमें प्लांट रख के आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या, किस तरह से इसको प्लांटर, क्योंकि ये जो है था ना फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये जो था ना इसका, इसको थोड़ा निकालने में मुझे डिफ़िकल्ट हुआ, थोड़ा हल्का फुल्का ये आप सेफली करना। फिर उसके बाद ये जो है ना, ये वाला चीज़, ये थोड़ा सा मुझे कवर करना है सो दैट कि इसको हाथ वाथ में ना लगे। चलो मैं दिखाती हूँ किस तरह इसको एज ए प्लांटर मैंने यूज़ किया। तो फिर सबसे पहले मैं इसको कवर करूँगी, कवर मैं इसको इस सेलो टेप से करूँगी, क्योंकि ये अगर हाथ लगाएंगे ना तो ये कटने का थोड़ा सा चांस रहता है, तो इस वजह से मैं इसको इस सेलो टेप से, आपके पास जो भी सेलो टेप अवेलेबल होगा उससे आप इसको साइड साइड में ऐसे कर दें, तो आप कभी पानी वानी डालें इसमें तो आपका हाथ नहीं, कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा शार्प कट हो गया है, तो इस वजह से ये करना ज़रूरी है। तो इसको मैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए कर रही हूँ। ये हो गया रेडी, और ये इतना खूबसूरत सा है, इसको क्या ज़रूरत करने का। इसको मैं डायरेक्ट पानी डालूंगी और इसमें खूबसूरत सा एक प्लांट लगा दूंगी। तो मैं इसमें ये वाला प्लांट लगाऊंगी, ये पानी में अच्छे से रह जाता है। इसमें हम पानी का ही प्लांट लगाएंगे जो वाटर प्रोपगेशन में जो सही रहेगा, क्योंकि इसमें होल करना और इसमें मिट्टी डालना सही नहीं रहेगा, तो इसको वही प्लांट लगाना है जिसको पानी में इजली सर्वाइव करो। ये प्लांट पानी में बहुत अच्छे से रह जाता है और देखने में खूबसूरत भी लगता है, तो मैं इस प्लांट को लगा दूँगी इसमें। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें और भी एक दो प्लांट चला जाएगा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, है ना, खूबसूरत सा प्लांट, और प्लांट रेडी हो जाता है आपका इस तरह से। तो आपके घर में भी इसी तरह से कोई परफ्यूम का बॉटल हो, रूम फ्रेशनर ना हो और परफ्यूम का बॉटल हो, या कोई भी इस टाइप का बॉटल हो, डेकोरेटिव बॉटल्स घर पे आते ही रहता है, तो उसका आप इस तरह से यूज़ कर लेना। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और देखो यहाँ से इसका रूट दिख रहा है तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। तो ये मेरा पहला DIY था, अब मैं आपको दूसरा DIY दिखाती हूँ। और दूसरा ये बॉटल है, ये बॉटल आपके घर भी आता होगा, वॉशिंग पाउडर इसमें आया था, लिक्विड रहता है इसमें, और इसको मैंने इस यहाँ पे होल किया और यहाँ पे होल किया सो दैट कि लटकाने में सही हो। और इसमें मैं ये वाला मनी प्लांट लगा दूंगी, तो देखो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग जाएगा पिंक पिंक के ऊपर ये। तो ये आपका एक दूसरा अच्छा खूबसूरत घर के वेस्ट डब्बों से अच्छा सा आपका DIY तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके घर में डब्बा सब आता ही होगा, कलरफुल डब्बा, तो इसका आप इस तरह का यूज़ कर लो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक दूसरा है, ये फैंटा का डब्बा है, आप लोग के घर में आता होगा, बच्चे पीते होंगे या आप खुद भी पीते हैं,
तो इसको भी मैं एज ए प्लांटर यूज करूंगी, इसको यहाँ पे होल्ड करूंगी और इसको यहाँ पे कट करूंगी, दिखाऊंगी मैं किस तरह से कट करूंगी, इस तरह से होल्ड करूंगी और इसमें मिट्टी डाल के इसमें प्लांट लगाऊंगी। तो ये इसको भी मुझे नहीं लगता है कि इसको पेंट करने का जरूरत है, ऐसे भी आप रख दो तो बहुत प्यारा लगेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। ये डब्बा खुद ही इतना कलरफुल है, ऑरेंज कलर का है, इतना खूबसूरत लग रहा है, चाहो तो आप इसको कर लो, ना चाहो तो ना करो। तो ये भी एक खूबसूरत सा प्लांटर आपके लिए रेडी हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ उसको किस तरह से कट करना और किस तरह से ये करना है। तो यहाँ मैं होल करने के लिए किचन में आई हूँ, थोड़ा केयरफुली करना, इसमें थोड़ा सा गरम करके, इस टाइप का कोई चीज़ आपके घर होगा तो गरम करके इसको इसमें हल्का हल्का सा बार बार लगाने से तुरंत होल हो जाता है, अगर ना हो तो हल्का सा एक दो बार हैमर से लगा दें तो तुरंत होल हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत केयरफुली करना क्योंकि इसमें आग में थोड़ा वो होता है, गरम गरम रहता है, तो थोड़ा हाथ बचा के करना। और ये जो पार्ट है ये मेरे से नहीं हो रहा था तो मैं यूं ही इसको ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि इसमें तो मिट्टी डालना तो ऐसे भी डल जाएगा। तो इसमें स्वाल मिश्रा भर दी हूँ, अब मैं इसको इसमें ये वाला प्लांट लगाऊंगी, इसका दोनों लीफ मैं हटा दी और इसको अब इसमें लगा दूंगी। कुछ नहीं करना है, मैं सोची थी पहले पूरा कट करूँ, फिर बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कट करना, बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैं छोड़ दी। इतना सा है तो इसमें तो आ ही जाएगा प्लांट आराम से, वो भी प्लांट लगा लो आराम से आ जाएगा। तो बस इसको इसमें अच्छे से इसको सॉफ्टली करके लगा दो और ये इसमें काफ़ी दिन तक रह जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें होल किया, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने अच्छे से होल किया तो अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और फिर जब बड़ा होगा तो फिर इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। तो अभी आप इस टाइप का कोई छोटा छोटा प्लांट जो होगा, बारिश में तो बहुत ज़्यादा कटिंग लगाने की ज़रूरत होती है, तो आप इस टाइप का प्लांट लगा सकते हो इस टाइप के डब्बे में, वेस्ट डब्बे में, आपके घर में होगा ही इस टाइप का डब्बा, तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो एज ए प्लांटर। और दूसरा फ्रेंड ये भी है, लीची का जूस का बॉटल है, इसको भी आप एज ए प्लांटर यूज़ कर सकते हो। इसको चाहो तो इसमें मिट्टी डाल के आप यूज़ करो, चाहो तो मिट्टी डालोगे तो यहाँ होल करना, अगर नहीं डालोगे पानी में करना है तो पानी में भी कर सकते हो, मैं पानी में ही लगाऊंगी अभी। तो कुछ नहीं करना है, मैं इसको इसमें सोच रही हूँ स्नेक प्लांट को लगाऊं, स्नेक प्लांट पानी में अच्छे से रह जाता है, तो मैंने सोचा इसको स्नेक प्लांट में डिब्बे में स्नेक प्लांट लगाऊं। देखो कितना अच्छे से लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। तो इस टाइप का छोटा छोटा स्नेक प्लांट, तो ऐसा छोटा सा स्नेक प्लांट है तो इसको मैं सोच रही हूँ स्टडी टेबल पर रख दूँ। तो इस टाइप का प्लांटर और प्लांट रेडी कर सकते हो, तो देखने में भी ब्यूटीफुल लग रहा है, चाहो तो कलर करो तो खूबसूरत लगेगा, कलर कर दोगे तो खूबसूरत लगेगा। तो ये छोटा छोटा डब्बा या तो फिर आप हैंग कर लो या फिर स्टडी टेबल पर लगा लो या फिर बाथरूम में रख लो, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही यूज़फुल होता है ये सारा डब्बा। तो फ्रेंड्स मैं दूसरा जुगाड़ आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने कबाड़ से किया है। ये तो स्टैंड है, इसके बारे में मैंने अपना वीडियो भी शेयर की हूँ, पर ये जो पर्चगुल्ला का प्लांट लगाई हुई है ये और ये तो पॉट है, पर इसमें जिस चीज़ में मैं रखी हूँ वो आपको दिखाती हूँ। वो मेरा टूट गया था और कबाड़ में जाने वाला था, तो मैंने उसका किस तरह से अपना पॉट स्टैंड बनाया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको हटा के। ये देखो फ्रेंड्स, ये गैस का जो होता है ना वो ओवन का, वो टूट चुका था और इस तरह से ज़मीन पे रखने से प्लांट में जो होल है उसे पानी भी अच्छे से ड्रेन आउट नहीं होता, तो मैं उसको एज ए स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। और एक ये देखो, इस तरह से आप भी कबाड़ से जुगाड़ करके इसमें अगर पेंट कर दिया जाए तो ठीक है, अगर पेंट ना भी करूँ तब भी ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी छोटे छोटे प्लांट्स को लगा सकते हो इस टाइप के डब्बे में। वेस्ट घर का डब्बा पड़ा होता है, इस टाइप के डब्बे में लगा सकते हो घर में। ऐसा ऐसा डब्बा डेकोरेटिव्स काफ़ी परफ्यूम वगैरह का आता है जो कि हम लोग फेंक देते हैं, तो इस तरह से आप लगा के ड्राइंग रूम पे भी रख सकते हो। बहुत खूबसूरत लगता है इस टाइप का खूबसूरत डेकोरेटिव्स डब्बा, या फिर इस टाइप का कोई कलर का डार्क कलर का आता है तो वो सबको आपसे फेंकना नहीं, ये सबको इस टाइप से यूज़ करो। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर इसमें पेंट कर दिया जाए तो कहने ही क्या। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई खाली डब्बा है तो ज़रूर से यूज़ करना एज ए प्लांटर, और उसमें प्लांट लगाना। बारिश के टाइम पे जितना मन चाहो उतना प्लांट लगाओ, अपने भी अपने गार्डन को भी हरा भरा रखो, दूसरों को भी गिफ्ट दो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो हो गई यहीं पे ख़त्म, अब मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। और मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलना, और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। तो अब मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय बाय, फाइनल वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।